ये दादू की वॉच है, ये दादू की वॉच नहीं है, ये दादू की वॉच। हाँ ऐसी पहनते हैं ना, इसीलिए हो रहा है। इधर देख, ऐसी दादू की भी वॉच है और मम्मा ठीक है, मम्मा की। हाँ ऐसे कलर की है बट मम्मा की नहीं है ये। हाँ मम्मा के पास तो बहुत सारी वॉच है बाबू। पहले मुझे ना वॉच का कलेक्शन करने। हाँ मम्मा के पास तो येलो है। कौन सा येलो है बाबू? येलो है। हाँ ये है येलो, ये है येलो। येलो भैया कैसियो में 3000 सम की रेंज में है। गिफ्ट करने के लिए किसको चाहिए? कैसियो लगाना 3000 तक। ये सर देखिए, कौन सी वाली जेंट्स चाहिए? लेडीज के ये सारे 3000 की रेंज में नहीं, अलग अलग रेंज के। हाँ तो स्टार्टिंग दिखाना, मतलब 4-5 पीस दिखाना जरा प्लीज ना, मुझे किसी को गिफ्ट करना है। ये देखिए 35 की रेंज में है, ये 4000 है। बजट कम ही रखो, मतलब उससे ज़्यादा मत ले जाओ मेरा। ये 3800। अच्छा ये 34। ये 3000। अच्छा ये 3000। कुछ डिस्काउंट भी मिलता है कि बस वही जो फिक्स रेट हो जाएगा 10% इस पे, मतलब 3000 में 10% मिल जाएगा। हाँ 27 का पड़ेगा। 27 का पड़ेगा। ये 2600 का है, ये भी अच्छी है। ये कितनी की? 26। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना व्रेन लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे बूबू, मैं और मेरे मतलब ससुराल में मेरी मामा ऊपर रहते हैं, मामा ससुर, उनकी बेटी, हम तीनों गए हैं मार्केट जो मेरे घर के पास है, कमला नगर मार्केट। और फिर वहाँ पे जाके सबसे पहले मुझे, मतलब मुझे क्या काम था, थोड़ा बहुत काम इनको था, तो इन्होंने बोला कि चलो आप चलते हैं भाभी मार्केट चलते हैं, मतलब थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। तो मैंने चलो ठीक है चलते हैं, इसी बहाने मैं और बूबू भी चले गए, निकल गए। तो यहाँ पे हम पहले तो इनको वॉच लेनी थी अपने लिए, फिर इन्होंने वॉच देखी, उसके बाद मैंने भी देखना शुरू कर दिया। मुझे भी ना एक जेंट्स वॉच चाहिए थी, मेंस वॉच, मतलब कि किसी को गिफ्ट करना है, किसको गिफ्ट करना है ये मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो वही मैं देख रही थी और मुझे ना सारे मतलब ब्रांड में ना, एक तो होता है कैसियो वॉच मुझे ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली बॉयज़ के लिए अगर मुझे लेना है किसी के लिए अपने घर में जो भी है, तो मुझे ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैं हमारे घर में सबके पास ही यही है, मेरे पापा के पास, मेरे हस्बैंड के पास, मेरे भाई के पास इसी ब्रांड की वॉच है। तो मैं वही देख रही थी कि इसमें से कुछ पसंद आ जाए मुझे तो मैं ले लूँगी। तो देख के देखा मैंने पहले, और दूसरा मैं अपनी 3-4 वॉच लेके गई थी वहाँ पे। और उसको कुछ ना कुछ, जैसे बोलते हैं ना हम रखे घर में रहते हैं ना लेडीज़, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको ना, हमारे पास कोई भी चीज़ हो हम उसका केयर नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी ही केयर नहीं कर पाते एक बोलते हैं ना टाइम से। तो उसी के लिए फिर मैंने उसको, मैं अपने साथ 3 वॉच लेके गई थी अपनी, और तीनों वॉच मैंने भैया को बोला दिया, और उसको बोला मैंने क्लीन करने के लिए। और उसमें जो मतलब कुछ, मतलब एक वॉच तो मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू रखी हुई है, बहुत टाइम पहले की है, उसको मैंने उसको अपने साइज़ का करवाया, और 2 वॉच में मैंने सेल डलवाया। फिर फाइनली मेरी वॉच ठीक हो गई, उसके बाद हम चल दिए शॉपिंग के लिए। और यहाँ पे सब पता है मेरे साथ ये है, बूबू जब भी हमारे साथ मतलब जाता है, मेरे साथ जाएगा या मतलब अपने पापा के साथ जाएगा, हम सब जब भी बाहर जाते हैं कभी भी जाएंगे, तो उसको सबसे पहले ये होता है कि बाबू मैं मुझे मॉल में जाना है, मॉल में जाना है। तो शॉपिंग तो हमारी साइड हो जाती है, पहले बूबू को मॉल के अंदर जाना होता है, और चेकिंग होती है अपनी कार से। तो वही सबसे पहले ये आगे देखो, आगे आगे अपने आप भाग रहा है फटाफट फटाफट, कि मम्मा मुझे क्या बोलते हैं कार में बैठाओ और मुझे राइड लेनी है। तो मैंने चलो चलते हैं, पहले वही चीज़ कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गाइस हम लोग आए हैं, आए मॉल आए हैं, मॉल आए शॉपिंग करने के लिए। बस छोटी सी शॉपिंग है, बड़ी नहीं है। मेरे बेटे को देखो, उसको ना बस दिमाग में आ गया बैठने के लिए, बैठने के लिए परेशान है। बूबू दूध पी लो पहले, चलो आप पहले दूध पी लो, उसके बाद काम करेंगे। जो भी मॉल में जाता है बाबू को पसंद आता है। हाँ बूबू को मॉल ज़्यादा पसंद आता है। चलो दूध पी लो पहले, बैठोगे क्या उस पर? हाँ हाँ चलाता है, हर बार आता है, बैठोगे बताओ? हाँ बूबू बैठना है। हाँ कौन से वाले में बैठना है? उसमें तो भाई बैठा हुआ है।
हाँ हाँ इसमें नहीं बैठोगे, चलो ठीक है अभी आने दो उसको, आने दो पहले, बाबू आ रहे हैं, बाबू आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप आ जाओ फिर उसके बैठेंगे, इधर आओ मम्मा दूध पिला दे आपको पहले, फिर बैठ वो आ जाएगा तो फिर बैठ पीना, ठीक है आ जाओ इधर आओ मम्मा के साथ आओ। अभी आने दो वो आने दो, इसको उसी में बैठना है, इस वाले में ना वो हट जाओ, साइड हो जाओ, साइड ओए साइड हो जाओ, आराम से आराम से आराम से, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, मॉल के अंदर बैठ के भी गर्मी लग रही है। हाँ बबू आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अरे अभी वो उनका 5 चक्कर लग जाएगा ना, बस हो जाएगा, तो मैडम वीडियो बना लो और 3-4 बना रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कार थी, मतलब बाइक भी थी और कार भी थी, बट बूबू को रेड वाली पे ही बैठना था, मतलब आपने कई मेरी पुरानी भी वीडियोस देखी होंगी या शॉर्ट्स देखी होंगे या रील देखी होंगी, तो उसमें ना बूबू हमेशा रेड पे ही बैठता है, पता नहीं क्यों उसको बोलते हैं ना, एक चीज़ पे लोग बोलते हैं कि आज इस पे बैठे तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे हम दूसरी चेंज करेंगे, बट वो के साथ ऐसा नहीं है, उसको रेड कार ही पसंद है, यहाँ पे जब भी जाता है तो वो रेड कार में ही बैठता है। तो एक्चुअली हमसे पहले ही ना वहाँ पे एक बच्चा छोटा वो उसी में राउंड 5 राउंड देते हैं ये लोग, तो 5 राउंड कर रहा था और वो पीछे 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 भाग रहा था, मैं बार बार उससे पूछ रही थी, वो पहले मैंने पूछा उससे कि इस वाले में किसी में तो नहीं, मम्मा रेड में जाना है, मम्मा रेड में जाना है, और तो बहुत तेज में आ रहे हो चक्कर में। और सबसे बड़ी बात ये मुझे भी मतलब बच्चा है ना खुशी होती है, कितना दिन बहुत इन्जॉय कर रहा था, और इससे पहले जब वो छोटा था ना तब भी बैठता था वो बहुत, तो इन्जॉय उस टाइम पे ना मुझे लगता था कहीं गिर ना जाए, वो पकड़ नहीं पा रहा। ये देखिए मेरी भाभी हैं शॉपिंग करने के लिए आई हैं, उसको बंद नहीं करना है, आप आराम से चलाओ ऐसे ही, तो यहाँ पे बूबू के 5 राउंड्स पूरे होने वाले थे, और ये इसी बीच तो ये मेरी फेवरेट जगह है, स्विस ब्यूटी का सामान यहाँ पे मिलता है, तो मैंने भी अपना लगे हाथ एक दो चीज़ें अपने लिए परचेज़ कर ली, क्योंकि उसके बाद तो फिर ना जब बोलते हैं ना जब आपका मन करे तब चीज़ कोई भी चीज़ आपकी लेनी हो आपको अपने लिए तो वो कर लो, नहीं तो अदरवाइज़ आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप स्पेशली उस चीज़ के लिए जाओगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लिप कलर देख ली थी अपने लिए, और लिप कलर लेने के बाद फिर यहाँ पे बूबू के राउंड कंप्लीट होने वाले थे उसी टाइम पे। बस पीछे मत करो, आप अंकल खड़े हैं पीछे, तो यहाँ पे शॉपिंग करते समय हमें रात हो गई थी, और यहाँ पे हम गए थे सूट लेने, स्पेशली अपने लिए मैं लेने गई थी थोड़े हैवी एक दो सूट, मुझे लगा कोई भी फंक्शन आ रहे हैं तो मुझे ना सूट की ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेती हूँ, तो एक दो सूट मैंने अपने लिए परचेस किया, उसके बाद फिर हम निकले घर, और घर फिर आ गए। कहाँ जा रहे हो? पते पाती में, ठीक है चले, बुबू रेडी हो गए, मम्मा भी रेडी हो गई, वो भी रहती हो गया, जाओ बता दो दादू दादी को, चलो चलो चप्पल पहनो, चलो 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 चप्पल 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 नीचे नीचे
वही वाली पहननी, पुरानी वाली। हाँ पास ग्लू है। नहीं बाबू, सब बच्चे अच्छे बन के आएंगे। आप नई चप्पल पहन, ये चप्पल बूबू की, चलो पहन न्यू चप्पल। चलो जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना ब्रेन लाइफस्टाइल। तो हम जा रहे हैं पार्टी में बूबू के साथ, है ना बूबू? चलो पहन लिया। हाँ अपने आप पहन लिया, आपे आप पहन लिया, सच में पहन लिया। हाँ सही से नहीं पहना बाबू। जाओ जाओ फोटो क्लिक करो, जाओ जाओ फोटो क्लिक करो, फोटो खड़ा हुआ ठीक है, जाओ इधर देखो। चले चलो आ जाओ, आओ। और पापा तो अभी बात नहीं करी, पापा से आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आके करेंगे। मार्केट से आए तो रात हो गई थी, फिर मेरे खाना वाना बना के खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। और सेकंड डे बर्थडे पार्टी थी, और बर्थडे पार्टी किसकी थी मैं बता दूँ कि एक भैया हैं जिनको, मतलब आपने कई मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली में, और ये मेरे पतिदेव जी के फ्रेंड हैं, और तो उन्हीं के घर में पार्टी थी, उनकी बेटी की पार्टी थी, और वो फर्स्ट ईयर मतलब एक साल की हुई है, तो इसीलिए मुझे मतलब हम लोग को जाना था पार्टी में, तो हम लोग रेडी हो गए, और यहाँ पर पतिदेव जी तो थे नहीं, उसके बाद गली में ही था घर, तो हम पहुँचा जल्दी पहुँच भी गए उनके घर पर। ये है उनका घर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिल गए बूबू खेलने के लिए स्पेशली। बूबू इधर देखो मम्मा की तरफ, बूबू मम्मा की तरफ देखो। नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बूबू को भी ना बच्चे चाहिए, पता है दीदी, इसको चाहिए बच्चे खेलने के लिए। तो यहाँ पे पहुँचते ही सब लोग रेडी हो रहे थे, एक्चुअली हम जब पहुँचे थे तो रेडी हो रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं घर से निकल रही थी, मुझे लग रहा था मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट ऐसा नहीं था। तो ये रिबू मतलब इस बेबी का ही बर्थडे है, और उनकी मम्मी दीदी जो है वो, तो उन्हीं के घर पे हम लोग गए थे। देखते तो होनी वीडियो पे बाजी बना लेते। चलो वो केक कटिंग करने चलो। अरे वो आती नहीं आई अभी तक, बोला तो था कि जल्दी आ जाना, इन्होंने 7 बजे का बोला। मुझे वही लग रहा था शायद आ गई होगी, पता नहीं। एक हमारी फ्रेंड और है, आई नहीं अभी तक, शायद वही होगा ना, भैया आएंगे लेट, है ना। चलो चलो भाई, चलो चलो नीचे, कहते नीचे दे, नीचे गिफ्ट है, फिर नीचे से वो बोलते हैं से कुर्सी लगी ना, भैया आइया तो उसके बाद हम रेडी होकर नीचे गए जहाँ पे फंक्शन हो रहा था, मतलब कि केक कटिंग होने वाली थी। और यहाँ पे हमारी एक और फ्रेंड आ गई, ये है आरती,
इसको भी आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे जो वीडियोस देखते हैं, जो नहीं देखते उनको बता दूँ कि ये मेरी मतलब मेरी भी फ्रेंड है, और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की, मेरे पतिदेव जी की भी फ्रेंड है। और ये मतलब ससुराल में हूँ तो ऑफकोर्स उनके जितने दोस्त हैं उतने सारे, उनकी जितनी भी वाइफ हैं वो सब हम लोग आपस में फ्रेंड हैं। तो 4-5 साल हो गए हम लोगों को मिलते हुए एक दूसरे से, तो जब भी कहीं फंक्शन में जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हाँ ये इंसान नहीं आया। तो वही मैं ऊपर बात कर रही थी दीदी से कि हाँ दीदी अभी आरती नहीं आई है, तो वही बोल रही थी हाँ आने वाली होगी थोड़ा। तो जैसे ही हम लोग नीचे पहुँचे वहाँ पे आ गए थे आरती, और फिर यहाँ पे केक कटिंग होने वाली थी हम लोग ने, वही हम सब आ गए थे नीचे। और अब देखिए बर्थडे गर्ल केक कट कर रही है, यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, 1 साल की है, तो उसको क्या ही पता होगा कि बर्थडे क्या होता है। बट यस, बच्चे एक्साइटेड बहुत होते हैं आजकल के बच्चे ना, बड़े टैलेंटेड हैं, ये बात तो सच में। मुझे जब याद है अपने बूबू का मेरा फर्स्ट मतलब बर्थडे था, तो वो ना बहुत एक्साइटेड था और डांस कर रहा था, तो वैसे ही सेम मैंने देखा कि ये बेबी भी बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, और छोटी सी है पर इंजॉय कर रही थी अपने बर्थडे को ना, कि हाँ उसको पता है जब म्यूज़िक चल रहा है तो मुझे डांस करना है, वो फुल इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे ये भैया हैं, उन्हीं की बेटी और वो दीदी हैं, और यहाँ पे आंटी लोग, मतलब ये सब इनकी फैमिली है, पूरी फैमिली एक्चुअली बहुत बड़ी फैमिली है इनकी, तो सारे लोग, बहुत रश लगा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने केक को कटिंग करके हम गए, खाना वाना खाया हम लोगों ने। बट यही होता है ना कि बच्चे जब किसी के घर में फंक्शन होता है तो ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पाता है किसी को भी, हमें क्या, हम भी हमारे घर में भी फंक्शन होता था, हम भी अपने सारे गेस्ट को ना अच्छे से टाइम नहीं दे पाते क्योंकि सब काम में ही लगे होते हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे भी यही हो रहा था कि ये भैया और भैया लोग सारे, मतलब दीदी लोग सारे बिजी थे, घर में घर का फंक्शन है तो ऑफकोर्स बिजी होंगे ही, तो बहुत सारे लोग थे इसमें। उस बीच में ना मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना सकूं या क्लिप वो कर सकूं, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई, और फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए, यहीं पे फिर हमने खाना वाना खाया। दीदी के बर्थडे में, बोलो दीदी के बर्थडे, किसके बर्थडे में आए, किसके बर्थडे में आए, हैप्पी बर्थडे। वो बड़ा एक्साइटेड हो गया था, मतलब खुश हो गया था, हैप्पी हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और फिर मैं आ गई घर रात के कुछ, मतलब टाइम रात हो गई थी ज़्यादा, फिर जब घर पे आई थी सब लोग सो चुके थे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब हम आ चुके हैं घर, बूबू और मम्मा घर आ गए, बूबू का देखो बूबू, हाँ तो बस जा रहे हैं कपड़े चेंज करके। किसको, उसको क्यों खोलना है, नहीं खोलना बूबू, नहीं नहीं इसको नहीं खोलते, गंदी बात। आपको मम्मा दूध दे रही है ना, ये देखो उल्टी सीधे काम करना स्टार्ट हो चुका है, तो पहले मैं इसको दूध दे दूँ, उसके बाद फिर कपड़े चेंज करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और